नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उड़ान स्टडी में। उड़ान स्टडी लेके आ गया है शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति, नई जोश और नई उमंग के साथ। दोस्तों आज 27 अप्रैल है, हम देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले जो लोग उड़ान स्टडी चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि उड़ान स्टडी पर आने वाला डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले उनके पास पहुँच जाए। चलिए शुरू करेंगे हम पहला क्वेश्चन। किस देश ने RBI के साथ 40 करोड़ डॉलर की करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की है? बताइए किस देश ने RBI के साथ 40 करोड़ डॉलर की करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की है? दोस्तों तो कौन सा देश है? यह है श्रीलंका। ठीक है, कौन सा देश? श्रीलंका ने। और श्रीलंका ने अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए यह किया, एक्सचेंज करने की घोषणा की है। क्या करने के लिए किया? अपनी विदेशी मुद्रा भंडारण को बढ़ाने के लिए। चलिए बात अगर श्रीलंका की आती है दोस्तों, श्रीलंका का कैपिटल कहाँ है? श्रीलंका कैपिटल है दोस्तों जयवर्धने कोटे। ठीक है, जयवर्धने कोटे। और श्रीलंका के करेंसी क्या है दोस्तों? श्रीलंकाई रुपया। ठीक है, और एक बात और दोस्तों, श्रीलंका के अगर आप PM और प्रेसिडेंट की बात करें तो श्रीलंका के PM है महिंदा राजपक्षे और प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये दोनों वहाँ के भाई हैं। ठीक है, श्रीलंका के PM और प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे महिंदा राजपक्षे दोनों भाई हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आपको कि श्रीलंका के PM और प्रेसिडेंट दोनों भाई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, आपको और एक क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाएगा जो कि आपको बिल्कुल भी मजा आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया? बताइए विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जा रहा है? तो बताइए कब से मनाया जा रहा है? दोस्तों मनाया जा रहा है 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल से। ठीक है, 24 से एक कब तक मनाया जाएगा? 30 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा। और इसकी थीम क्या है दोस्तों? इसकी थीम आप याद रखिएगा, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ठीक है, इसकी थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए टीकाकरण। ठीक, सभी के लिए टीकाकरण कब से कब मनाया जा रहा है? 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा। ठीक है, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के पहले मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का उद्घाटन कहाँ किया है? बताइए दोस्तों, ये किया गया है आपका हैदराबाद में। ठीक है, और हैदराबाद क्या है? तेलंगाना की कैपिटल है। ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद कैपिटल है। और बात अगर तेलंगाना की आती है दोस्तों, तेलंगाना के CM कौन है? के चंद्रशेखर राव। ठीक है, के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? बताइए तमिलसाई सुंदर राजन। ठीक है, तमिलसाई सुंदर राजन ये है प्रेजेंट टाइम में वहाँ के गवर्नर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य के लिए $82 मिलियन देने की घोषणा की, मंजूरी दी? ठीक है, सॉरी, वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य के लिए $82 मिलियन ऋण देने की मंजूरी की है? बताइए कौन सा राज्य है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को वर्ल्ड बैंक ने $82 मिलियन ऋण देने की घोषणा दी है। अभी किसके लिए दी है दोस्तों? ये दी है सड़क परिवहन परियोजना के तहत। ठीक है, सड़क परियोजना। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने $82 मिलियन हिमाचल प्रदेश को देगा ऋण के रूप में। अब बात वर्ल्ड बैंक की आती है दोस्तों, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1954 में, 1954 में। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। अगर बात हिमाचल प्रदेश की आती है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की बात आती है तो बताइए हिमाचल प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है। और CM कौन है? जयराम ठाकुर है। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक, चलिए आपको इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को लिख करके बताया जाएगा, तो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाएगा। आप वीडियो के अंत तक जरूर बन रहिए। अगर आप वीडियो के अंत तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, सात स्टार लिंक उपग्रह किसने लॉन्च किया?
बताइए लास्ट में दोस्तों स्पेस एक्स में, ठीक है, स्पेस एक्स लिया है अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, अमेरिकन कंपनी है स्पेस एक्स, और इन्होंने क्या किया है 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है, ठीक है। और बताइए इसके सीईओ कौन है, स्पेस एक्स के सीईओ कौन है, ये दोस्तों एलन मस्क, एलन मस्क, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा संपर्क बैठक मोबाइल ऐप किस राज्य ने छात्रों के लिए लॉन्च किया, बताइए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप ने किस राज्य ने छात्रों के लिए लॉन्च किया, तो दोस्तों ये किया है, बताइए आप कौन सा राज्य किया है, हरियाणा में किया है, संपर्क बैठक मोबाइल ऐप हरियाणा में लॉन्च किया है छात्रों के लिए। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें 500 से अधिक वीडियो और ऑडियो लेक्चर होंगे, ठीक है, जो कि आप छात्रों को पढ़ने में मदद करेगी, और इसमें कक्षा 5 तक कार्टून रहेगा, ठीक है, क्लास 5 तक इसमें कार्टून रहेंगे जो कि बच्चे पढ़ सके, कार्टून के माध्यम से आप छोटे बच्चे पढ़ सके, और इसमें 500 ऊपर बच्चों के लिए क्या रहेगा 500 से ज़्यादा, ठीक है, वीडियो और ऑडियो लेक्चर रहेंगे, ठीक। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के सीईओ पद से किसने इस्तीफा दे दिया, बताइए डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के सीईओ पद से किसने इस्तीफा दे दिया दोस्तों, ये कौन से दिए, सीमा नंदन। डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी आखिर है कहाँ की दोस्तों, ये है अमेरिकन की पार्टी है, अमेरिका में दो नेशनल पार्टी है, एक तो रिपब्लिकन पार्टी है और दूसरा डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के सीईओ कौन है, बताइए इसका सीईओ कौन है, डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के सीईओ है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, मतलब इसके प्रमुख कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है। और रिपब्लिकन पार्टी के कौन थे, इसके थे बराक ओबामा। चलिए इन दोनों का अगर आपको चिन्ह पूछ दिए, चुनाव चिन्ह पूछता है, तो डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होता है दोस्तों, हाथी होता है, और रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होता है, गधा होता है, ठीक है। ये दोनों साग पार्टी है, अमेरिकन की पार्टी आप इसे याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया, बताइए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया दोस्तों, तो यह मनाया गया 26 अप्रैल को, ठीक है, 26 अप्रैल को। ये क्यों मनाया जाता है बताइए, ये इनोवेशन एंड क्रिएटिव बौद्धिक संपदा जागरूक करने के लिए ये दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, इनोवेशन एंड क्रिएटिव बौद्धिक संपदा जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है। फिर इसकी थीम क्या है दोस्तों, आप थीम जरूर याद रखिएगा, थीम क्या है, इनोवेगेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर, ठीक है, इनोवेगेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस राज्य ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि की लॉन्च की है, बताइए किस राज्य ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि की लॉन्च की है दोस्तों, तो ये कौन सा राज्य किया है बताइए आप, ये राज्य किया है दोस्तों उत्तराखंड ने, ठीक है, उत्तराखंड ने लॉन्च किया है कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि। और बात अगर उत्तराखंड की आती है दोस्तों, तो उत्तराखंड में क्या होता है, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून है, ठीक है, देहरादून है, और उत्तराखंड के सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अच्छा ये बताइए कि कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है तो आखिर एक क्या है, कौन सा ऐप है बताइए, कौन सा ऐप है, तो ये है दोस्तों इसमें क्या होता है, करप्ट इन्फॉर्मेशन कोरोना वायरस के बारे में बताने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है, जितने आप उत्तराखंड के बारे में लॉन्च किया गया है तो उत्तराखंड में बताया जाएगा कि यहाँ पे कितने संक्रमित मरीज हैं, कितने को कोरोना वायरस हुआ है, कितने पॉजिटिव हैं, कितने क्वारंटाइन में हैं, ठीक है, ये सब करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा कौन, कोरोना वायरस दृष्टि पोर्टल, ठीक है, दृष्टि पोर्टल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलेडियम इन्वेस्टमेंट्स ने किस बैंक में अपने हिस्सेदारी को 4.49% बढ़ा दिया है बताइए, कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने किस बैंक ने अपने हिस्सेदारी को 4.49% बढ़ा दिया है दोस्तों, तो ये कौन सा बनाया है, एक बंधन बैंक ने, ठीक है, बंधन बैंक ने। बात अगर बंधन बैंक की आती है दोस्तों, तो बंधन बैंक हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता है, ये कौन है,
चंद्रशेखर घोष, ठीक है, चंद्रशेखर घोष है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, जो लोग इस चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बिक्री पर रोक लगा दी, बताइए कौन सी राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बिक्री पर रोक लगा दिए, ये लगाया दोस्तों झारखंड ने, ठीक है, झारखंड सरकार ने क्या किया है, तम्बाकू या उसके सभी उत्पादों पर रोक लगा दी है जहाँ सार्वजनिक स्थान हो, ठीक है। चलिए बात अगर झारखंड की आती है दोस्तों तो झारखंड की कैपिटल क्या है, झारखंड की कैपिटल रांची है, और झारखंड के सीएम कौन है, हेमंत सोरेन, ठीक है, हेमंत सोरेन है, और झारखंड के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। आपको इसी तरह से आपको हर एक क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दिया जाएगा, लिंक करके क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा डेली सुबह 7 बजे उड़ान स्थिति पर डेली कैंसिल चलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सशक्तता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताइए केंद्रीय सशक्तता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, से नियुक्त किया गया संजय कोठारी को, ठीक है, संजय कोठारी को, और संजय कोठारी को नियुक्त किया गया केंद्रीय सशक्तता के रूप में, ठीक है, और संजय कोठारी पहले किसे हैं, भारत के प्रेसिडेंट क्या थे, सचिव थे, ठीक है, पर्सनल सचिव थे, पर्सनल सेक्रेटरी थे संजय कोठारी। अब संजय कोठारी का जगह कौन ले लिया है, कपिल देव त्रिपाठी। अब भारत के प्रेसिडेंट के पर्सनल सेक्रेटरी कौन बने हैं, कपिल देव त्रिपाठी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की है, बताइए सार्क के सम्मेलन की मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किसने किया दोस्तों, तो देखिए है पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने किया है इस सम्मेलन का मेजबानी। और ये सम्मेलन कैसे हुआ दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, कोरोना वायरस के चलते ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही हैं, और ये भी सम्मेलन कैसे हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। चलिए सार्क की बात आती है दोस्तों, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे दिमाग में आता है पहले सार्क, और सार्क का फुल फॉर्म जानने की चाहेंगे हम, सार्क का फुल फॉर्म होगा दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन। और इसकी स्थापना का विस्तार से स्थापना दोस्तों 1985 में इसकी स्थापना हुई थी सार्क की, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों काठमांडू में, इसका क्या है हेडक्वार्टर सार्क का काठमांडू में हेडक्वार्टर। और सार्क में कितने देश आते हैं दोस्तों, सार्क में टोटल कितने देश आते हैं बताइए, सार्क का अगर आ गया तो भी आपको पता होना चाहिए सार्क में आखिर देश कितने होते हैं और कौन कौन से देश होते हैं, तो सार्क में टोटल 8 देश होते हैं, ठीक है, 8 देश होते हैं, जिसमें श्रीलंका पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव और नेपाल, कुल मिला के 8 देश सार्क में सम्मिलित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसने बैंक धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड देने की सुविधा की घोषणा की है, बताइए किसने बैंक खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड देने की सुविधा देने की घोषणा की दोस्तों से की है, आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात अगर आरबीआई की आती है दोस्तों तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता, ठीक है, आरबीआई की हेडक्वार्टर मुंबई में, ठीक है, और आरबीआई के स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 यानी कि 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, और आरबीआई की हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इस समय प्रेजेंट टाइम में आरबीआई की गवर्नर कौन है, देखिए दोस्तों आपको गवर्नर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि आपको पढ़ा दिया गया है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री कैपिटल राजधानी और सीएम मुख्यमंत्री और गवर्नर के बारे में, आपका उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप सब आप उसको देख लीजिएगा। चलिए तो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है बताइए, इसके राज्य गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये बन के आता है कि शक्तिकांत दास जी गवर्नर हैं तो चौथे नंबर पे हैं, किस नंबर पे हैं, ये है दोस्तों 25वें नंबर के गवर्नर हैं दोस्तों, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के आपको बस पूछ देगा कि 25वें नंबर के भारत के गवर्नर कौन है, बताइए आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आप क्या करेंगे, आप 25वें नंबर से पूछेगा तो आप क्या करेंगे,
शक्ति का दास। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जो लोग अभी उड़ान स्थिति के बारे में नहीं जानते, आप उन्हें शेयर करके उड़ान स्थिति के बारे में बताइए, और आप उनको ये लिंक शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल कर दीजिए, आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।